ये है ऑफिस के अकाउंटेंट, जो कि एक नंबर के कंजूस और मक्खी चूस, सैलरी काटने में सबसे आगे। चलो चलो, अरे भाई एक सेंटर प्रेस दियो। थैंक यू। कितने हुए भाई? एक रुपए। हाँ भाई, पेटीएम लेगा, गूगल पे लेगा या फोन पे लेगा? सर एक रुपए तो है सर, कैश दे दो। अरे यार, हमारा बॉस तो पेटीएम करता है ना, कैसी बात कर रहा है यार। सर मेरी तरफ से गिफ्ट सर, आयस करूँ क्या है? ठीक है यार, चल थैंक यू। ये अमीर आदमी के ना चोचले भी अलग है। ये है ऑफिस का ऑफिस बॉय, पर ये ऑफिस बॉय का मालिक ज्यादा है, क्योंकि बॉस का साला जो है। कहाँ रह गए सारे के सारे? इस ऑफिस का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। एक तो हमारा बॉस, मेरा जीजा, पता नहीं कहाँ रह गया। पक्का अपनी पीए के साथ होगा, रोज उस पर लाइन मारता है। इसका बांटा दीदी से बोल के मैं ही फुटवाऊंगा। और इनसे मिलिए, ये है कंपनी के बॉस और इन सब नमूनों के लीडर, जो हैं अपनी बेटी से परेशान और हर लड़की पर मेहरबान। पापा पापा, मेरे को कौन लेगा, वरना मैं मम्मी को शिकायत कर दूंगी। ये है बॉस की बेटी, जो बॉस और उसकी पीए को कभी अकेला नहीं छोड़ती और अपनी मम्मी की पूरी बात सुनती है। ये है बॉस की पीए, जिसको हिंदी जितनी कम आती है, चापलूसी उतनी ही ज्यादा। क्या यार, हर जगह बेइज्जती करा देती है यार, आ रहा हूँ। सर मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? यार ये मरवा के रहेगी यार, काश ही मेरी होती। हाँ मेरे को एक हेल्प चाहिए, मेरे पापा से आप दूर रहा करो। अरे 10:15 हो गए, एचआर मैंने तो बोला था 10 ऑफिस खुल जाएगा, और यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। ये है ऑफिस में न्यू जॉइनिंग, या फिर जोकर भी बोल सकते हो। अरे भाई कहाँ था भाई? अरे भाई कहाँ था? अरे सुनते ही नहीं है। प्रीति यार आज तो बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। ये है ऑफिस की ब्यूटी क्वीन, जो हमेशा लेट आती हैं और ऑफिस में काम छोड़ के बाकी सारे काम करती हैं। तेरी वजह से तो लेट हुए, तो ही पता नहीं क्या पूरे पूरे दिन मेकअप करती रहती। कहाँ यार, सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे? जब बॉस सैलरी काटेगा ना तब पता चलेगा। हाँ हाँ छोड़ छोड़, चल जाने दे, चल चल। यार ये कैसे एम्प्लॉय है, एक तो लेट आते हैं, ऊपर से टारगेट भी अचीव नहीं करते, बहुत हो गया इनका। ये है कंपनी की एचआर, जो अपनी ही गुरूर और एटीट्यूड में रहती है। बॉस को बोल के मीटिंग रखाती हूँ और इनकी खबर तो मैं लेती हूँ, सब पागल भरे पड़े हैं यहाँ पे। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या है मैम? मेरा आज फर्स्ट डे है, कहाँ पर बैठूँ? एक काम करो, मेरे सिर पे आके बैठ जाओ, तुम्हें बाहर जगह नहीं दिख रही, बाहर जाके बैठो कहीं। ओके मैम। भगवान, कहाँ भेज दिया तूने मुझे, यहाँ तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। हाँ मीटिंग है, बॉस बुला रहा है। अब ये नमूना कहाँ से आ गया? आ जाओ। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अरे इतना बड़क क्यों रही हो, मैंने तो यही बोला कि बॉस बुला रहा है।
रुको, बॉस को बोल के तुम्हारी क्लास लगवाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, बोल दो, बॉस जी रहे तो ना क्या कर लेगा वो। अच्छा ठीक है सर, आ रही हूँ। प्रीति और दिव्या, मैंने सुना है तुम दोनों ऑफिस में लेट आए थे। नो सर। झूठ मत बोलो दोनों मुझसे। एचआर, इनके दो दिन की सैलरी कट करो। जी सर। तुझसे कुछ और उम्मीद भी नहीं करते। और इनसे मिलिए, ये हैं ऑफिस के काम करने वाले एक लौते एम्प्लॉय जो सबका काम करते हैं। सैलरी चोर कुछ काल में। सर मैं तो ये कहता हूँ आप बहुत अच्छे हो। करण एंड अफ्ताब, तुम दोनों बेरोजगारों को कंपनी में मैंने रोजगार दिया। तुम्हारा इंटरव्यू एकदम टट्टी था, फिर भी मैंने तुम दोनों को काम दिया। और तुम दोनों से बिजनेस नहीं लाया जा रहा, अब तो ये दोनों बेरोजगार ही होंगे। ओए बॉस आ गया। अरे बॉस नहीं, मेरा जीजा आ रहा है। जीजा और एक दिन इस कंपनी का मालिक मैं बनूंगा और मेरा जीजा नौकर और तुम सब लोग बेरोजगार, समझे? रोजगार प्राइवेट लिमिटेड में आप सबका स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत अच्छा है कि आप सब बेरोजगार मेरे साथ काम कर रहे हैं। बट सर ये तो खुशी की बात नहीं है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे यही तो खुशी का बात है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, तभी तो तुम्हारे जैसे बेरोजगार लोग इस कंपनी में आएगा। राइट, तभी तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। अरे जीजा जी, तुम्हें कौन पसंद नहीं आता, तुम्हें तो सब पसंद आते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि आप चाय पियोगे या नहीं। हाँ अच्छा चलो बताओ, लास्ट वीक जो मीटिंग हुई थी उसकी फाइल कहाँ है? करण, मैंने फाइल तुम्हें दी थी ना। मैं मेरे को फाइल कब दी? ये है जो हमेशा एचआर के साथ लड़ता रहता है, बेचारा हमेशा एचआर से सुनता है और सुनाता भी है। मैं आपको कुछ नहीं मिलता तो आप मेरे पे इल्जाम क्यों डालते हो? तुम बोल क्या सर, तुम भूल गए कि मैं एचआर हूं? भूला नहीं हूँ कि आप एचआर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पे कुछ भी इल्जाम लगाओगे। मुझे अच्छे से पता है मैंने फाइल तुम्हें ही दी थी। कुछ भी हवा में, सारा दिन तो चैट करती रहेगी और हम लोगों को फिर वहीं से बोलेगी। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, और जोर से बोलो। हाँ हाँ पहले तुम कर लो, हम सब तो यहाँ पे सब्जी बेचने आए हैं। नहीं नहीं करो, मुझे मेरी फाइल शाम तक चाहिए, इन एनी कंडीशन, जमीन आसमान एक करोड़ पर मुझे मेरी फाइल शाम तक चाहिए। एंड मीटिंग इज ओवर। मेरे पापा से ऐसे ही दूर रहा करो। अच्छा बेटा ठीक है, जब देखो उनके पीछे पीछे चलती रहती हो। अच्छा बेटा मैं अब नहीं चलूंगी, मम्मी को सब बता दूंगी। ठीक है मेरी माँ। उफ, ये बच्चा भी ना अपना बाप जैसा है। अरे यार क्या कर रहे है, सब छोड़ ना, आपने बता अपने लाइफ में क्या नया चल रहा है। क्या बताओ यार, वही बोरिंग लाइफ, बोरिंग बॉयफ्रेंड्स, और कुछ नया है ही नहीं बताने के लिए। अरे हाँ तुझे बताओ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अकेले मिलने बुलाया था। फिर? हाँ फिर क्या, फिर तो मैंने नहीं बोल दी उसको। ये सारे बॉयज ना होते ही ऐसे हैं। हाँ यार। अरे वो देख अपना बॉस हमेशा पीए के साथ लगा रहता है। अरे छोड़ ना, वो हर एक किसी पे लाइन मारता रहता है। अच्छा जल्दी काम पूरा कर लेते वरना बॉस फिर सैलरी काट देगा। यार अर्पित, मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, उससे तुम ऑफिस का सामान ले आना। ओके मैम, ले आऊंगा। अरे अर्पित, मैं एक चेक दे रहा हूँ, उसे डिपॉजिट कर देना बैंक में प्लीज। जी सर। भाई अर्पित, कल संडे है, मुझे शॉपिंग पे लेके चलियो। हाँ भाई। यार संडे इन इनका थोड़ी होता है, मेरा भी तो होता है। अर्पित 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 भाई, क्या अर्पित 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 लगा रखा है? अबे क्या हो गया, खांग भी क्या है क्या? सॉरी सर। अरे यार परेशान हो गया मैं इस लड़की से, क्या करूँ मैं इसका,
इसकी मैं इसको यहाँ भेजती थी ऑफिस, और खुद घर में आराम करती है। तुम यहाँ आओ, तुम फ्रेशर हो? जी सर। सर मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं आपके ऑफिस का जो भी काम दोगे मैं वो पूरा कर दूँगा। ये मेरी लड़की है, इसको जाके के खिलाओ। अरे यार मैं बच्चे खिलाने वाला लगता हूँ क्या? Excuse me. इश्क है एक तूफान। Actually मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है? मैडम ऑफिस में सारे काम करता हूँ, बोलो तो आपका भी कर दूंगा और थोड़ी बदमाशी भी जानता हूँ। ऑफिस का सबसे स्मार्ट बंदा हूँ, ऑफिस की सारी बंदियाँ मरती है मेरे पे। मैडम बॉस के बच्चे खिलाता हूँ, मैं आपके भी बच्चे खिला दूंगा। मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये। अरे क्या चल रहा है इधर, लड़की देखनी और आगे तुम सब लोग बॉस को जानते हैं ना कौन है? सेक्रेटरी ने देख लिया तो जीजा को बता देंगे, दोनों स्ट्रिक्ट हैं बहुत। अरे निकलो सब लोग, चलो जाओ। तू तो गया गोविंदा साला बंदा। अरे तुम ना मेरे साथ चलो, नौकरी तो जूम लगवा दूंगा, बॉस जीजा है अपना। अच्छा तुम तो यहाँ के नौकर लग रहे हो। प्रभु आपका हो गया हो तो मैं इंटरव्यू ले लूँ इनका। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। आइए। वेट, कौन है ये? सर ये इंटरव्यू के लिए आए हैं। तुमसे तुम्हारे टास्क तो पूरे होते हैं नहीं, तुम तो थक गए होगे, जाओ अपना काम करो। इनको मेरे केबिन में भेज दो। ओके सर। और बताओ मैडम जी, नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा तभी इतना मुस्कुराती हो तुम। जी सर। और बताओ क्या क्या काम आता है तुम्हें? सर मैं पहले कंपनी में एचआर थी, अब आप देख लीजिए। ओह अच्छा। सर वैसे मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा? सैलरी की टेंशन तो तुम बिल्कुल मत लो, वो तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे देता हूँ और काटता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओह नाइस सर। यार आज डेट क्या है? आज डेट 10 तारीख है। अच्छा। रेशा 10 तो सर आप बॉस के पास अभी जा रहे हो सैलरी की बात करने या शाम तक जाओगे? हाँ अभी भी जा रहा हूँ, चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एम्प्लॉयर सैलरी मांग रहे हैं, क्या करना है? सैलरी? हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो जाओ। ओके सर। काम तो ये लोग करते नहीं है और सैलरी चाहिए इनको टाइम पे, अब इनको तो मैं देता हूँ सैलरी। चलो बताओ इसकी कितनी सैलरी बनती है इस महीने की? सर इसने दो छुट्टियां ली है, एक ऑफिस का पेन खोया है और 4 A4 शीट्स खराब की है। सुनो इसकी 8 दिन की सैलरी कट कर दो। सर 8 दिन का ऑफ? अभी 8 दिन की करिए फिर 16 दिन की कर दूंगा, चल निकल। सर इसका क्या करना है? अरे कुछ नहीं, ये तो मेरे बच्चे खिलाता है तो बस वो ही करेगा, निकल। इसका बताओ क्या है? सर ये तो ऑफिस में बहुत लेट आती है। अच्छा एक काम करो, इसकी हाफ मंथ की सैलरी काटो। सर 50% सैलरी, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। अगर पूरी सैलरी नहीं कटवानी है तो चले जाओ यहाँ से। अब इसका क्या है? सर ये भी उसी की बहन है।
सर ये लड़की बिजनेस अच्छा लाता है और इसकी वजह से हम लोग का कंपनी ग्रो कर रहा है। सुनो, इसकी सैलरी मत काटना और इसको मेरी तरफ से बोनस भी देना। ठीक है सर। ये तो शक्ल से ऐसा लग रहा है, इसका क्या है? सर नहीं, इसने कोई ऑफ लिया है और इसका काम पूरा। अच्छा, इसकी सैलरी कैसे कट? इसका 6 days का ऑफ। तुमने शूलेस नहीं बांधी और अगर तुम गिर गए तो हमारे ऑफिस की टाइल्स टूट जाएगी। और अगर ऑफिस की टाइल्स टूट गई, इसका मतलब ये है कि कंपनी का नुकसान और फिर कंपनी घाटे में। ओ भाई मारो मारो। और जीजा जी नमस्ते। हर बार तो देखो तेरी दीदी याद आ जाती है, आज देखो तेरे जीजू कैसे याद आ गया। जा अपनी दीदी से ले सैलरी, मेरे पास कोई पैसे से नहीं है। तो सर सबकी सैलरी कटवा दी, मेरी सैलरी तो पूरी दोगे ना? तुमको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुमको तो मैं हाफ सैलरी दूंगा। जाओ अपना काम करो चुपचाप। दुखी मत हो, मैं किसी की भी सैलरी नहीं काट रहा हूं, बस अपना काम सही टाइम पे कर दिया करो। और हाँ सूर्या, मेरी तरफ से सबको समोसे कोल्ड ड्रिंक। ओके सर। हे एवरीवन, दिस साइड राकेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेस इंडिया। एंड गाइस, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सेलिब्रिटी फेस के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक्सेक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।